निशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार हो गया। आज वो पंच तत्व में विलीन हो गई। शिजान की मां और बहनें भी वहां पहुंची थी, जो फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। इंडस्ट्री के कई लोग जो है पहुंचे थे अंतिम दर्शन करने के लिए तुनिशा के। महज 20 साल की उम्र में तुनिशा हमारे बीच नहीं रही, ये बात जो है टीवी जगत अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया है। आज जब तुनिशा के पार्थिव को मुखाग्नि देने के लिए ले जाया गया, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो माँ जो है वो अपनी बेटी को देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। यहाँ तक कि वो वहाँ पर बेहोश भी हो गई। मामा ने जो है तुनिशा को मुखाग्नि दी है, तो तुनिशा का अंतिम संस्कार जो है हो चुका है। लेकिन इस पूरे अगर मैं कहूँ मैटर में, शिजान से जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये कहा जा रहा है कि शिजान ने इस तरह का दावा किया है कि उसका और तुनिशा का जो ब्रेकअप है वो बहुत पहले ही हो चुका था। 3 महीने के अंदर ही, जब इनका अफेयर शुरू हुआ तो 3 महीने के अंदर ही ये लोग ब्रेकअप कर चुके थे। और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि ये दोनों मूव ऑन हो चुके थे, और इस बात के कई सबूत भी सामने आए हैं। तो आज पंचतत्व में विलीन हुई है तुनिशा, अंतिम विदाई देने जो है टीवी जगत के बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। और घर से उनका पार्थिव जो है निकाला गया था, और घर पर भी जो है बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री के लोग पहुंचे थे। तो अब थोड़ी देर के बाद जो है सारा परिवार फिलहाल जो है वो शमशान घाट पर ही मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर में वो सब अपने घर पर वापस आ जाएंगे। टीवी जगत के बहुत सारे लोग पहुंचे, शिजान का पूरा परिवार पहुंचा था, लेकिन तुनिशा केस में फिलहाल जो है पुलिस लगातार शिजान से पूछताछ कर रही है। वकील का ये दावा है कि जो इनका अफेयर था वो 3 महीने के अंदर ही जो है टूट चुका था, तो ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ हो। और वकील का ये भी दावा है कि दोनों के दोनों मूव ऑन कर चुके थे, इस बात के भी जो है पुख्ता सबूत उनके पास है। तो कहीं ना कहीं तुनिशा महज 20 साल की थी, और उनके जाने का गम टीवी इंडस्ट्री में सभी को है। किसी ने नहीं सोचा था कि हंसती खेलती तुनिशा का अंत जो है इस तरीके से होगा। टीवी विंडो भी अपने सभी व्यूअर की ओर से उन्हें एक बार फिर से श्रद्धांजलि देता है।